हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म की। डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन, ये चार फैक्टर्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे ये डिस्पर्सिव पावर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो हमको डिस्पर्सिव पावर पता होनी चाहिए कि होती क्या है और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। जब हम लोग एक प्रिज्म के ऊपर वाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं तो प्रिज्म इसे 7 कलर्स में डिवाइड कर देते हैं। ये जो 7 रंगों में जो ये डिवाइड हुआ है, मतलब वॉयलेट कलर से लेकर रेड कलर तक, तो कलर जिस रेंज में स्प्रेड होते हैं उसे हम लोग एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। अगर एंगुलर डिस्पर्जन में हम लोग येलो कलर के डेविएशन को डिवाइड कर दें तो हमें डिस्पर्सिव पावर मिलती है। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है? एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ येलो कलर। जो येलो कलर होता है ना, उसको हम लोग मीन कलर भी कहते हैं। तो जो एंगुलर डिस्पर्जन होता है, इट इज डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर अपॉन डेविएशन ऑफ येलो कलर। अगर मैं डेविएशन की बात करता हूँ वॉयलेट कलर की माइनस रेड कलर की, तो म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड, मतलब वॉयलेट कलर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स माइनस रेड कलर के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस का मल्टीप्लाइड बाई ए, वेयर ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, डिवाइडेड बाई येलो कलर का, तो म्यू येलो माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ए। ए से ए कैंसिल हो जाता है, म्यू वॉलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो माइनस वन हो जाता है। अब जरा यहाँ देखो तो आपको पता चलेगा कि यार इस एक्सप्रेशन में ए नहीं आ रहा है, मतलब प्रिज्म की जो शेप है उससे रिलेटेड कोई भी फैक्टर यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ जो आ रहा है वो सिर्फ मटेरियल से जुड़ा हुआ फैक्टर आ रहा है, मतलब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो पहला ऑप्शन है कि क्या डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करती है, तो बिल्कुल नहीं। देखो ये कैंसिल हो गया, इसके एक्सप्रेशन में कहीं पर भी ए नहीं आ रहा। साइज ऑफ द प्रिज्म बिल्कुल नहीं, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म बिल्कुल, दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे ये डिपेंड कर रहा है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है थर्ड। तो कोई भी क्वेश्चन आया यार, सबसे पहले उसका कंसेप्ट, उसका फॉर्मूला, उसके आसपास की फिजिक्स पता होनी चाहिए। अगर हमको ऐसा पता है तो हम सही उत्तर दे पाएंगे। ऐसे ही और ढेर सारे क्वेश्चन के लिए और ढेर सारी फिजिक्स के लिए आप जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया पर। ईश्वर आपको जरूर सफलता दिलाएगा।